तो हेलो मेट्यू फिल्म, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। आज आप लोगों को बिल्कुल हाई क्वालिटी हेयर फोटो एडिटिंग करना सिखाने वाला हूँ, ठीक है? तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहना ताकि आप लोग अच्छे से एडिटिंग करना सीख सकें। तो हम लोगों को अपने फोटो को स्नैपचैट वाले एप्लीकेशन के अंदर में शेयर कर लेना है ताकि हम लोग अपने फोटो को कुछ इस तरीके से एडिटिंग कर सकें, ठीक है? तो आप लोग भी अपने फोटो को शेयर कर लेना है स्नैपचैट वाले एप्लीकेशन के अंदर में, ठीक है? तो हम लोग अपने फोटो को स्नैपचैट वाले एप्लीकेशन के अंदर में शेयर कर लेते हैं जल्दी से। अब देखिए, हम लोग अपने फोटो को स्केच स्नैपशीट वाले एप्लीकेशन के अंदर में शेयर करने के बाद हम लोग आएंगे टूल्स वाले ऑप्शन पर, और टूल्स वाले ऑप्शन पर आ जाने के बाद यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे सिलेक्टिव वाले ऑप्शन पर, ठीक है? सिलेक्टिव वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे जिससे कि हम लोग अपने जहाँ पर हम लोग का फेस पर ब्लैक ब्लैक हो जाता है वहाँ पर हम लोग लाइट को इंक्रीज करके वाइट टोन को ला सकें, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे हम लोग देखिए ब्लैक 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 हो गया, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग लाएंगे पॉइंट को, यहाँ से ब्राइटनेस को यहाँ से इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है? जैसे ब्राइटनेस को इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज करने के बाद फिर से यहाँ पर हम लोग फिर से टाइप करेंगे, ठीक है ना? प्लस वाला पर टाइप करके फिर से हम लोग स्टिकर बना लेंगे, ठीक? और यहाँ पर टाइप करेंगे नीचे इसके बगल में ही, ठीक ना? ताकि यहाँ पर भी हम लोग को ब्लैक है, यहाँ पर भी हम लोग को लाइट आ जाए कुछ इस तरीके से, यहाँ से हम लोग डन करेंगे। अब हम लोग बिफोर आफ्टर देख लीजिए, बिफोर आफ्टर तो कुछ इसी तरीके से आप लोग को भी कर लेना रहेगा, ठीक है? ज़्यादा ज़्यादा नहीं, बस हल्का हल्का ही करना है, ठीक ना? 50% ही रखिएगा, ठीक? कुछ इस तरीके से जहाँ पर भी आप लोग अभी होगा, जहाँ जहाँ पर आप लोग अभी ब्लैक होगा वहाँ पर आप लोग सेलेक्टिव से लाइट को इंक्रीज कर लीजिएगा, ठीक? कुछ इस तरीके से आप लोग अभी करके आगे का प्रोसेस अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ, फिर आप लोग आगे करना खा चाहिए। अब देखिए बिफोर आफ्टर हम लोग को देखे लाइट एडजस्टिंग हो गया ना। अब हम लोग फिर से टूल्स वाले ऑप्शन पर आएंगे, हम लोग यहाँ पर ट्यून इमेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा आप लोगों को, ठीक ना? तो आप लोगों को ट्यून इमेज पर आ जाना, ठीक? ट्यून इमेज पर आ जाने हम लोग फिर सेचुरेशन वाले पा जाएंगे, यहाँ से हम लोग सेचुरेशन थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, ठीक ना? सेचुरेशन बढ़ाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग डन करेंगे, और डन करने के बाद आएंगे शेयर वाले ऑप्शन के बगल में, ठीक ना? ऊपर के साइड में शेयर वाले ऑप्शन के बगल में आ जाएंगे हम लोग, और अब बगल में आ जाने फिर आप लोग आ जाना वीब एडिट्स पर, ठीक ना? यहाँ से हम लोग वीब एडिट्स पर आ जाएंगे। ये देखिए वीब एडिट एडिट से इसको पा जाना है, फिर ट्यून इमेज पर क्लिक करना है, फिर ब्रश वाला पर टैप करना है, और सिर्फ हम लोग को बैकग्राउंड में चला लेना है कुछ इस तरीके से, ठीक है? सिर्फ हम लोग को बैकग्राउंड में चलाना है सेचुरेशन को कुछ इसी तरीके से, आप लोग को भी चला लेना है बैकग्राउंड में सेचुरेशन को, हम लोग सिर्फ बैकग्राउंड में ही चलाएंगे, ठीक? कुछ इस तरीके से आप लोग को बैकग्राउंड में चला लेना है, ठीक ना? देखिए कुछ इसी तरीके से आप लोग को बैकग्राउंड में पूरे के पूरे बैकग्राउंड में चलाना है जिससे कि हम लोग को बैकग्राउंड पूरा सेचुरेशन फुल हो जाए, ठीक है? बिल्कुल इसी तरीके से पूरा सेचुरेशन फुल कर लेना है हम लोगों को बैकग्राउंड में चला करके, यहाँ से चला लेते हैं जल्दी से, ठीक है? तो इसी तरीके से आप लोग भी अगर आप लोगों को बैकग्राउंड में सेचुरेशन कम दिखे तो आप लोग इसी तरीके से बैकग्राउंड में सेचुरेशन को बढ़ा सकते हैं। यहाँ से हम लोग डन करें, और डन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर से टूल्स वाले ऑप्शन पर, फिर आप लोग यहाँ पर टोनल कंट्रास्ट मिल जाएगा, ठीक ना? फिर आप लोग टोनल कंट्रास्ट वाले ऑप्शन पर टाइप करके आ जाना है। ये देखिए टोनल कंट्रास्ट, ठीक ना? तो हम टोनल कंट्रास्ट वाले ऑप्शन पर आ जाते हैं जल्दी से। टोनल कंट्रास्ट वाले ऑप्शन पर आ जाने के बाद देखिए हम लोग को करना क्या चीज़ है, ठीक है? हाई टोन है तो ये जो हाई टोन है हल्का सा इंक्रीज कर लेंगे, ठीक? मिड टोन को कम कर लेंगे, लो टोन को इंक्रीज कर लेंगे कुछ इतना। यहाँ से हम लोग डन करेंगे, और डन करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग शेयर करेंगे स्केचबुक वाले एप्लीकेशन के अंदर में। यहाँ से हम लोग अपने फोटो को स्केचबुक वाले एप्लीकेशन अब देखिए हम लोग स्केचबुक वाले एप्लीकेशन के अंदर में आ चुके थे। हम लोग करना क्या, तो हम लोग देखिए यहाँ पर देखिए हम लोग को फोटो में ये वाला पार्ट देखिए निकला हुआ है, ठीक है? तो हम लोग इसको एडजस्ट करेंगे कैसे, वही चीज़ आप लोग को दिखाने वाला हूँ, ठीक है? देखिए हम लोग को पार्ट निकला हुआ है, तो हम लोग इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक ना? तो हम लोग ब्रश वाला टूल पर आ जाएंगे, ठीक? यहाँ से स्पंज वाला ही ब्रश रहेगा, ठीक ना? थोड़ा सा फॉलो को बढ़ा लेते हैं, ठीक? कुछ इस तरीके से हम लोग, ठीक ना? कुछ इसी तरीके से हम लोग अच्छे से इस वाले पार्ट को हम लोग एडजस्ट करेंगे, ठीक ना? देखिए कुछ इस तरीके से हम लोग इस वाले पार्ट को रिमूव कर लेना है, ठीक ना? ताकि हम लोग जो फोटो है थोड़ा सा अच्छा हेयर बने, तो कुछ इसी तरीके से आप लोग को इस वाले पार्ट को रिमूव कर लेना है, ठीक ना? देखिए अच्छे से रिमूव कर लेना है, ठीक? देखिए अभी कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक ना? तो हम लोग कुछ इधर से चला लेके ऊपर के साइड में भी चला करके अच्छे से मर्ज कर लेते हैं, मतलब मिला देते हैं ताकि मतलब ना लगे कि इस चला हुआ है, ठीक ना? तो देखिए कुछ इस तरीके से कर लेना, ठीक ना? और करने के बाद क्या करना है, थोड़ा सा इसका साइज को हम लोग थोड़ा सा छोटा कर लेंगे कुछ इस तरीके से, और इधर साइड में चला लेंगे, ठीक ना? कुछ इसी तरीके से चला करके अच्छे से मतलब एडजस्ट कर लेना ताकि हम लोग का रियल बन जाए थोड़ा सा हेयर, ठीक ना? देखिए कुछ इस तरीके से चला लेना है, चला करके अच्छे से बना लेंगे अपने हम लोग हेयर को, ठीक? कुछ इसी तरीके से, और इतना कुछ हो जाने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे,
हमने फिर से ब्रश वाला टूल पाएंगे, इसका हम लोग कम कर लेते हैं। इतना कम करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अपने फेस को स्मूथ करेंगे, ठीक ना। हम लोग अपने फेस को स्मूथ कर लेंगे इसी वाले ब्रश के सहायता से, ठीक, ताकि हम लोग फेस भी इसी वाले ब्रश से कर लेते हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग भी इसी वाले ब्रश से कर सकते हैं, फेस स्मूथ बिल्कुल अच्छे से स्मूथ हो जाएगा, ठीक ना। तो मैं इसी वाले ब्रश का भी यूज कर रहा हूँ अभी फिलहाल। मगर कुछ नया सेटिंग बनाऊंगा स्मूथिंग का, तो आप लोगों को जरूर से बता दूंगा, ठीक ना। तभी देखिए इसी वाला एकदम बिल्कुल हार्ड सॉफ्ट ऑयली स्मूथ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होएगा, ठीक ना। तो देखिए इसी तरीके से सबसे पहले आप लोग को स्मूथ कर लेना इसी वाले ब्रश से, देखिए कुछ इसी तरीके से, ठीक ना। अब आप लोग को अपने फेस पर भी स्मूथ कर लेना है, ठीक। देखिए बिल्कुल अच्छे से आप लोग, मेरा फेस स्मूथ हो रहा है, आप लोग का भी बिल्कुल इसी तरीके से अच्छे से एकदम स्मूथ होगा। यूज कीजिए, मतलब ब्रश देखिए अच्छे से चलाने आना चाहिए, ठीक ना। ये नहीं कि देखिए अब यहाँ पर हम लोग अगर ऐसे ऐसे चलाते हैं ब्रश को तो हम लोग का फेस स्मूथ अच्छा नहीं होता, मतलब जैसे जैसे है ना। तो देखिए इधर के साइड में स्मूथ कर, इधर कीजिए, वैसे के साइड में स्मूथ करना था, इधर इस तरीके से ब्रश चलाएं। इसी तरीके से चला करके आप लोग अभी अच्छे से स्मूथ कर लेना रहेगा, ताकि आप लोग का भी फोटो अच्छे से स्मूथ हो जाए, ठीक ना। देखिए कुछ इस तरीके से भी हम लोग अपना फोटो बना लेंगे, ठीक ना। इसी तरीके से आप लोग अभी करके अपने फोटो को बनाना रहेगा, स्मूथ करना रहेगा एकदम हाई क्वालिटी फुल एचडी में, ठीक ना। अब देखिए इतना कुछ हो जाने बाद फिर अभी आप लोगों को आगे बता रहा हूँ, आगे का प्रोसेस में भी आप लोगों को करना खा चाहिए। अब देखिए हम लोग नाक पर भी अच्छे से स्मूथ कर लेंगे, ठीक। स्मूथ करने बाद इधर के साइड में भी अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। देखिए स्मूथ अगर फोटो रहेगा तब पर तभी हम लोगों का फोटो वायरल होने का ज़्यादा चांस रहता है, ठीक ना। आप लोग मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जा करके देख सकते हैं मेरा फोटो वायरल हुआ है जो भी, ठीक है। तो वहाँ से इसे ही सारे कारण है कि अच्छे से मैं वर्क करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी अच्छे से वर्क कीजिए, आप लोग का भी सारा चीज़ वायरल होगा, ठीक ना। देखिए कुछ इसी तरीके से, ठीक ना। देखिए जितना चीज़ बता तो आप लोग पूरा फुल वीडियो वॉच करके सीखा कीजिए, ताकि आप लोग को पूरा अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल जाए, वहाँ पर आप लोग अच्छे से एडिटिंग करना सीख करके अपने फोटो को भी आप लोग वायरल कर सके, ठीक ना। तो देखिए कुछ इस तरीके से ही कर लेना आप लोगों को। और करने के बाद अब देखिए क्या करना है हम लोग को, हम लोग आने फिर से ब्रश वाला टूल पर ऊपर के साइड में आएंगे हम लोग स्थैतिक पेंट में। स्थैतिक पेंट में ना यही वाला ब्रश ले लेंगे, ठीक ना। इसको थोड़ा सा फॉलो को बढ़ा लेंगे, और फॉलो को बढ़ाने के बाद देखिए थोड़ा सा इसको साइज को भी हम लोग थोड़ा सा कम कर लेंगे अभी के लिए। और देखिए कुछ इस तरीके से सबसे पहले तो हम लोग ब्रश को चला करके यहाँ पर हम लोग अपना हेयर को बना लेंगे, ठीक ना। देखिए कुछ इसी तरीके से आप लोग को भी बना लेना अपना हेयर, ताकि आप लोग का भी हेयर है जो है इस वाले ब्रश को चलाने से आप लोग का भी जो हेयर है बिल्कुल अच्छा और बिल्कुल मेरे तरह बनेगा, ठीक ना। आप लोग को देखिए अभी कितना अच्छे से हम लोग का हेयर अभी बन करके रेडी हो जाने वाला है, ठीक ना। देखिए अभी इसी तरीके से अभी आप लोग का भी बिल्कुल अच्छा वाला हेयर रेडी हो करके आ जाएगा बिल्कुल खतरनाक तरीके से, ठीक ना। बिल्कुल आप लोग को भी खुद देखिएगा, बिल्कुल मतलब आप लोग देखिए सही सेटिंग का यूज कीजिएगा और सही तरीके से ब्रश वो चलाइएगा, पूरा वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, सीखिएगा, आप लोग का बिल्कुल अच्छे तरीके से सारा कुछ हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए अच्छे तरीके से मतलब मेरा कहना अच्छे तरीके से सीखा कीजिए, ठीक ना। हम लोग क्या करेंगे फॉलो को कम करेंगे, साइज को बढ़ा लेंगे कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा साइज को और कम करेंगे 100 के रेंज में ही, ठीक ना। देखिए अब चला लेंगे, देखिए हेयर ड्रेस अच्छा से बन जाता है ना, तो जब हम लोग चलाते हैं पेंसिल तो और भी अच्छा हम लोग का हेयर बन जाता है, ठीक। तो यही सारे इन्फॉर्मेशन आप लोग वीडियो को फुल वॉच करके लिया कीजिए, ताकि आप लोग भी अच्छे से करना सीख सके, ठीक ना। देखिए अब हो गया ना, अब हम लोग क्या करेंगे थोड़ा सा इधर एक साइड में चला लेंगे, ताकि जब हम लोग जब हेयर नीचे लाए तो थोड़ा सा रियलिस्टिक लगे, यही सारा चीज़ होता है, ठीक ना। देखिए अब इतना हो कुछ हो गया, अब हम लोग का क्या करें, हम लोग फिर से ब्रश वाला टूल पाना है, ब्रश वाला टूल पा जाएंगे हम लोग, फिर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर देखिए डिजिटल ब्रश मिलेगा, यहीं पर देखिए डिजाइनर पर जैसे आप लोग आइएगा यहाँ पर ये वाला डिजिटल ब्रश मिल जाएगा, ठीक ना। यही देखिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ, फिर हम लोग यहाँ पर भी सेटिंग इसका बनाएंगे हम लोग, ठीक ना। तो हम लोग आ जाते हैं इसका सेटिंग पर, ठीक। सेटिंग में जैसे आएंगे तो यहाँ पर इसका सेटिंग देखिए 0.5 है, तो हम लोग क्या करेंगे 1 कर देंगे सीधा, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग 1 करेंगे 581, देखिए 1 हो गया ना। और इसका एडवांसड का सेटिंग आप लोग का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप लोग परफेक्ट बना सके, ठीक ना। देखिए इतने कुछ लेना है आप लोग को, लेने के बाद देखिए हम लोग को ब्रश को चला लेना, ठीक ना। आप लोग को मैं अपने पिछले वीडियो में बनाया था, सबसे पहले पैटर्न बना लेना, ठीक। तो कुछ इसी तरीके से आप लोग को सबसे पहले पैटर्न को जनरेट कर लेना, ताकि आप लोग का जो हेयर है अच्छे से बन सके, ठीक ना। तो इसी आप लोग वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए, ताकि आप लोग पूरा इन्फॉर्मेशन लेके आप लोग अच्छे से हेयर एडिटिंग करना सीख जाइए, ठीक ना। तो आप लोग ऐसे मतलब पूरा फुल वीडियो वॉच करना है और अच्छे से सीखना है, और कमेंट जरूर से कीजिएगा, ठीक ना। पूरा डिटेल बताता हूँ आप लोग को, ताकि आप लोग अच्छे से सीख सके, ठीक। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। देखिए
मतलब वाइट को पूरा फुल करके चलाना है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए वाइट है, तो जो हम लोग जो पैटर्न जो बनाते हैं ना, वाइट को पूरा फुल करके बनाइएगा, ठीक ना। जितना भी पैटर्न बनाना है वो वाइट को पूरा फुल कर लीजिएगा तो बनाइएगा पैटर्न, ठीक ना। और पैटर्न बनाने के बाद फिर आप लोगों को करना क्या चीज़ है वो चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक। देखिए पैटर्न बन गया हम लोग फुल वाइट पर। और पैटर्न बनने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग वाइट को थोड़ा सा कम कर लेंगे। और वाइट को कम करने के बाद ऐसे करके पूरा हम लोग हेयर में चला लेंगे, ताकि जो हम लोग का हेयर है बिल्कुल रियल तरीके से बन सके, ठीक ना। बन जाए, बन सके क्या, बन जाता है, ठीक ना। तो अभी आप लोग को देखिए बिल्कुल रियल तरीके से हम लोग का हेयर जो है बन करके रेडी हो जाने वाला है, ठीक ना। तो बिल्कुल अच्छे से आप लोग हेयर एडिंग सीखे, ठीक ना। बिल्कुल रियल तरीके से सारा कुछ सीखिए, अच्छे से सीखिए, अच्छे से कीजिए, अपने फ़ोटो को वायरल कीजिए, ठीक ना। इसी तरीके से कर करके, ठीक। देखिए कुछ इस तरीके से हो जाने बाद, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे ना, तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग को ऐसे ही और नोटिफिकेशन मिले, और आप लोग अच्छे से सही से तरीके से सारा कुछ सीख करके अच्छे से एडिटिंग करना सीख जाइए, ठीक ना। अब देखिए हम लोग कितना रियल तरीके से टेक्सचर लगे रियल तरीके से, ठीक ना। इसी तरीके से आप लोगों का हम लोग क्या करेंगे, ब्लैक कलर लेंगे, ठीक ना। ब्लैक कलर लेने के बाद देखिए, ओहो थोड़ा सा रुकिएगा। हाँ, अब देखिए हम लोग ब्लैक कलर लेने के बाद, ओहो इसका थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, 0.8 कर लेंगे। देखिए 0.8, 0.8 कर लेंगे इसका सेटिंग, ठीक ना। तो हम देखिए कुछ इस तरीके से हम लोग चला लेंगे, ठीक ना। चला करके अच्छे से अपना अपना रियल हेयर बना लेंगे, ठीक ना। इसी तरीके से आप लोगों करके अच्छे से आप लोग का हेयर एडिटिंग करना होता है, ठीक ना। तो ऐसे आप लोग पूरा फुल वीडियो वॉच कीजिए, सारा कुछ सीखिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं आएगा, ठीक ना। आधा वीडियो को देख करके आप लोग करने चल जाएगा तो आप लोगों को हेयर ख़राब भी हो सकता है। तो मतलब मेरे कहने फुल इन्फॉर्मेशन सीखे, पूरा जान लीजिए, तब जाके कीजिएगा कि पूरा जानने के बाद कीजिएगा तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा और अच्छे से आप लोग कर पाइएगा, ठीक ना। तो ऐसे ही आप लोग सारा कुछ सपोर्ट ऐसे ही करते रहिए, ठीक। तो हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा।